एमबीबीएस एडमिशन कोटा सिस्टम यस डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, मैं आज कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगा, मैं आपसे पूछूंगा यस व्हिच इज राइट व्हिच इज रॉन्ग। एमबीबीएस प्रोफेशन में जो मेडिकल डॉक्टर बनते हैं वहां पे कोटा सिस्टम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डे बाय डे इतना कोटा इंप्लीमेंट करते जा रहा है, इट्स रियली सरप्राइजिंग। मैं ये समझता हूं अगर द ग्रेट रिस्पेक्ट टू ऑल कम्युनिटी, बट आई एम नॉट अगेंस्ट द कोटा सिस्टम, बट मेडिकल प्रोफेशन में कोटा में रखते ओबीसी कोटा, एससी कोटा, एसटी कोटा, फिजिकल हैंडीकैप, डीडब्ल्यूएस कोटा, ये स्कीम रख के क्वालिटी में इज ए ब्लंडर मिस्टेक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एट द सेम टाइम मैं ये समझता हूँ लाइक जो कोटा सिस्टम से मेडिकल प्रोफेशन में और जो कोटा सिस्टम में डॉक्टर बनेगा किस टाइप का क्वालिटी डॉक्टर बनेगा, आई एम गिविंग स्मॉल एग्जांपल। अगर आपका 690 है जनरल कैटेगरी में आपको एम्स में मिलता है, जिसका एसटी कैटेगरी है 380 में भी करके दे चांस टू टेक एडमिशन इन एम्स मेडिकल कॉलेज, आप खुद बताइए डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स। ऐसे कोटा सिस्टम चलता रहेगा जो फ्यूचर डॉक्टर बनेंगे विद द कोटा, दे विल प्ले द पेशेंट लाइफ ऑफ द पेशेंट्स। यस मेडिकल प्रोफेसर में मैं ये समझता हूं कोटा शुड बी अबोलिश, ये कोटा होने से जो भी पॉलिटिकल लीडर फ्रॉम एनी पार्टीज जो सपोर्ट कर रहे हैं, तो मैं समझता हूं लेट्स मेक द अनदर रूल, जो पॉलिटिकल लीडर बोल रहे हैं कोटा होना चाहिए, सिर्फ जो कोटा थ्रू एडमिशन ले रहे हैं पॉलिटिकल लीडर का ट्रीटमेंट वही कोटा डॉक्टर ही करेंगे, ये रूल बना दीजिए। फिर अगर आप डे बाय डे जनरल के लिए कुछ भी अनरिजर्व कैटेगरी कुछ है ही नहीं, ओबीसी 27%, एससी 15%, एसटी 7.5%, ईडब्ल्यूएस जनरल कैटेगरी 10%, फिजिकल हैंडीकैप ऑलमोस्ट 5%, तो आप खुद बताइए तो जनरल कैटेगरी क्या बचा? मतलब जो क्वालिटी स्टूडेंट्स है, जो मेरिट स्टूडेंट में आप किल कर रहे हो आप एनकरेजिंग द कोटा सिस्टम। पर ये मैं समझता हूं यहां पे आप डॉक्टर बन रहे हो खुद के लिए नहीं बन रहे हो, यू आर द प्लेइंग इन द पेशेंट्स लाइफ, आप कोई पेशेंट्स लाइफ को सेव कर रहे हो। आप कोटा में डॉक्टर बन जाओगे आप क्या डॉक्टर बनोगे? आप डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं आप लोगों का क्या राय है कोटा के थ्रू जो ये रूल अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंप्लीमेंट कर रहे हैं डे बाय डे आरन करते जा रहा है जनरल को चुकाते हुए जो मेरिट को किल करते जा रहा है डे बाय डे, तो हाउ डू यू थिंक डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स कोटा कंटिन्यू होना चाहिए ऐसे ही? आई एम सॉरी टू से नॉन क्वालिटी डॉक्टर पास आउट होंगे तो क्या होगा हमारा इंडियन हेल्थ केयर सिस्टम, जो हमारा हेल्थ केयर सिस्टम से ऐसे भी इंफ्रास्ट्रक्चर इतना डेवलप नहीं है, प्लस नॉन क्वालिटी डॉक्टर पास आउट होंगे क्या ट्रीटमेंट करेंगे आप खुद रियलाइज कीजिए। तो आई एम स्ट्रॉन्गली अगेंस्ट द कोटा सिस्टम व्हिच इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज ऑलरेडी इंप्लीमेंटेड। तो डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, आप लोगों का क्या थॉट है, क्या राय, कमेंट बॉक्स में जरूर जरूर अपना आपका कमेंट देना, क्योंकि अगर ऐसे कोटा सिस्टम चलता रहेगा तो जनरल कैटेगरी के लिए कुछ बचेगा नहीं। तो कोई जो जनरल कैटेगरी का स्टूडेंट है वो फिर कोटा में क्यों एमबीबीएस क्यों करेगा, फिर डॉक्टर क्यों बनेगा, ड्रीम क्यों देखेगा? उनको पता है जितना ही मेहनत कर लो कोई एससी एसटी ओबीसी कैंडिडेट आके उनका सीट ले लेगा। तो आई एम रिक्वेस्टिंग टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज वेल एज हेल्थ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर, प्लीज डोंट इन्वॉल्व दिस कोटा सिस्टम विद द सेक ऑफ योर पॉलिटिकल यू नो फ्यूचर एंड ऑल, बट आई विल स्ट्रांगली रिकमेंड कोटा सिस्टम शुड बी इमीडिएटली अबॉलिश। डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, इफ यू एग्री विद माई पॉइंट्स प्लीज कमेंट बॉक्स में आपका कमेंट जरूर दे भेजिए। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे, नमस्कार।